दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक टेस्टिंग लैंप बनाने जा रहे हैं। तो ये टेस्टिंग लैंप ऐसा होगा कि किसी भी तार को बिना छुए ही आप उसे चेक कर सकते हो कि इसमें लाइट या करंट है या नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है टेस्ट। तो फ्रेंड इस लैंप को बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो नीचे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं मैंने। तो ये टोटल 6 कंपोनेंट है जिनकी हमें इस लैंप को बनाने में आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसके पूरी तरह से कनेक्शन कैसे होंगे, ये IC के कनेक्शन कैसे होंगे और कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगेगा, ये मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा हिंदी में। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक LED हमने लिया हुआ है 3 वोल्ट का, ये ग्रीन LED है दोस्तों, आप कोई सा भी ले सकते हो। और फिर हमारे पास जो IC है ये है 555 IC, ठीक है दोस्तों, ये हमें लेनी है। उसके बाद एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। फिर एक प्योर कॉपर वायर लेना है आपको, ये कॉपर वायर का कोयल आप बना सकते हो, किसी भी चीज़ पर लपेट करके बना सकते ना है आपको। फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यह है 1 माइक्रोफेरड 50 वोल्ट का, आपको 1 माइक्रोफेरड लेना है, चाहे वो 20 वोल्ट का हो, कितनी भी वोल्ट का हो, बस वो 1 माइक्रोफेरड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर एक 9 वोल्ट बैटरी और एक कनेक्टर हमें लेना है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमें कंपोनेंट लेने हैं। तो इस सर्किट को बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ में जाए कि कौन सा तार कहाँ पर लगना है। उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है, और मैं सारी जानकारी हिंदी में दूंगा आपको, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका डायग्राम। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये 555 IC है, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, और यहाँ पर ये LED मैंने लगाया हुआ है, और 9 वोल्ट बैटरी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा कि शायद आपको ना समझ में आए, तो मैंने दोबारा से ये 555 IC बनाई है। अभी मैं आपको कनेक्शन बताने बताऊंगा कैसे कैसे इसमें कहाँ पे क्या कनेक्शन लगने हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 8 नंबर पिन पे और 7 और 6 नंबर पर लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 6, 7 और 6 पिन को आपस में जोड़ देना है लैब को, ये मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ से आपको रेजिस्टेंस लेना है 10 किलो ओम का, और ये आपको लगाना है 8 में, ठीक है दोस्तों, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक नंबर पिन से आपको एक वायर लेना है, और इसमें लगाना है कैपेसिटर आपको, ये 1 माइक्रोफेरड का जो भी कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर का आपको एक लैग लेनी है, और ये लैग आपको सीधी जोड़नी है यहाँ पर जो आपने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया, इसे नहीं करना आपको। ये कैपेसिटर की पिन यहाँ से लेनी है, और ये आपको 7 और 6 नंबर पे आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। फिर ये जो LED है, ये LED आपको एक लगाना है, ये 3 नंबर पी पिन पे प्लस लगाना है, और इस तरह से आपको एक लैग लेनी है, और माइनस आपको 1 नंबर पे लगाना है, ये LED आपको लगा देनी है यहाँ पर, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो कॉपर वायर है ये देख रहे हैं आप, ये कॉपर वायर आपको 2 नंबर की पिन पर लगाना है इस तरह से। तो आपको जो टेस्ट करना है सर्किट में जो भी आपको वायर, तो यहाँ पर कॉपर वायर का सामने का हिस्सा रहेगा, तो जैसे ही आप इस कॉपर वायर के सामने कोई भी तार को लाएंगे जिसमें करंट बह रहा है, तो ये LED जल जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि इस वायर में करंट को फ्लोइंग हो रहा है, और हमें पता लग जाएगा कि इस वायर में करंट का फ्लोइंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। तो आइए फ्रेंड अब चलिए फ्रेंड अब हम बनाते हैं सर्किट को। फ्रेंड आप ये देख सकते हैं ये 555 IC है मेरे पास, तो इस IC को हमें यहाँ पर लगाना है। इस IC को पहचानने का तरीका होता है ये कटा हुआ निशान, तो कटे हुए निशान से इस साइड तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और इधर से 5 6 7 8, इस तरह से इसकी काउंटिंग होती है। तो दोस्तों 555 का एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, कौन सी पिन कहाँ पर क्या काम करती है ये उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसकी जानकारी के लिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिलहाल इसके कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक नंबर इसका ये रहा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसका 5 नंबर होगा, ये 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। तो हमें क्या करना है, 6 नंबर और 7 नंबर को आपस में जोड़ना है, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना है 10 किलो ओम का, और उसको 8 नंबर की पिन से कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लगाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को लगा चुका हूँ, आप देख रहे हैं 6 और 7 नंबर की पिन मैंने आपस में शॉर्ट कर दी और उसमें से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा और उसको सीधा फिर 8 नंबर की पिन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस को हम लगा चुके हैं, अब हमें लगाना है कैपेसिटर को। कैपेसिटर का जो माइनस लैग है वो हमें 1 नंबर पे लगाना है और जो प्लस लैग है वो 6 और 7 नंबर की जो पिन हमने कनेक्ट की है उस पर लगाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर कैपेसिटर को भी लगा दिया है। ये देखिए 1 नंबर की पिन पे माइनस का हमने लगाया वायर और 6 और 7 नंबर की पिन पे हमने इसका प्लस लगाया है। तो दोस्तों अब हम एलईडी लगाएंगे, तो उसके लिए पहले हम आईसी को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये इसका निशान है, तो 1 नंबर पे हमने कैपेसिटर का माइनस लगाया और 6 और 7 नंबर पे हमने प्लस लगा दिया। दोस्तों इसका ये प्लस वायर है और ये माइनस है, प्लस को तो हम 3 नंबर पे लगाएंगे और माइनस को 1 नंबर पे, तो चलिए लगाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर पे मैंने प्लस लगाया इसका और 1 नंबर पे मैंने माइनस लगाया, तो इस तरह से हमारे एलईडी भी लग चुका है। दोस्तों अब 2 नंबर ये रहा, इस पे हम ये कॉपर का वायर लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। कुछ इस तरह से कर लीजिए इसको आप। तो दोस्तों 2 नंबर पे आईसी के हम ये कॉपर वायर को लगा चुके हैं, इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको किसी डब्बे में बनाना है, ये एलईडी को बाहर दिखाना है और ये वायर को बाहर दिखाना है, बाकी ये पूरा सर्किट आपको किसी डब्बे में पैक करके बनाना है जिससे ये सेफ रहे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें बैटरी के कनेक्शन करने हैं और ये पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बैटरी के कनेक्शन आपको करने हैं, माइनस तो देना है 1 नंबर पे और प्लस देना है बैटरी का 8 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपेसिटर का ये वायर 8 नंबर से दूर है, ये 6 और 7 पे लगाया हुआ है, यहाँ पर ये मैंने अलग किया हुआ है कुछ इस तरह से, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, ये 8 नंबर की पिन है ये वाला और 1 नंबर ये है, तो इन पर हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे। चलिए करते हैं बैटरी के कनेक्शन, ये रही हमारी बैटरी और ये रहा इसका कनेक्टर। तो दोस्तों सर्किट हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सारे कनेक्शन इसमें हम कर चुके हैं, अब इसे टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको इसका डायग्राम फिर से दिखा दूं ताकि आपको ये कनेक्शन और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड ये हमारे पास ये सर्किट इसका रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका एक एक वायर कहाँ पर मैंने लगाया ये मैं आपको पूरा तरीके से बताऊँगा। कुछ इसी तरह से मैं इसको रखता हूँ, जैसे ये मैंने सर्किट यहाँ पर लगाया हुआ है वैसे ही मैंने यहाँ पर ये सर्किट को किया हुआ है। सबसे पहले 1 नंबर और 3 नंबर पे आप देख सकते हैं एलईडी लगाया मैंने, तो ये रहा 1 नंबर और 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पे हमने ये 2 नंबर पे हमने ये वायर लगाया कॉपर का, तो ये 2 नंबर पे ही लगाया हुआ है मैंने, देखिए ये रहा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद ये कैपेसिटर लगाया हुआ है मैंने 1 नंबर पे, इसका ये रहा माइनस पिन और इसका जो कैपेसिटर का 7 नंबर और 6 नंबर पे इसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर पे ये रहा और 6 और 7 नंबर पे ये यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है दोस्त, फिर हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस 8 नंबर और 7 नंबर पे मैंने लगाया हुआ है और 7 नंबर और 6 नंबर को आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो आइए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये सॉकेट बोर्ड है, इसमें मैंने आयरन को लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसका वायर जा रहा है। तो इस वायर को अभी हम चेक करेंगे कि इसमें करंट है या नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ और अभी मैं इसके पास में ये कॉपर वायर लाऊंगा और ये अगर जलेगा तो इसका मतलब इसमें करंट बह रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही इस एंटीना को हम वायर के पास में लाएंगे तो ये एलईडी हमारा जलना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए अब ये काम कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है फ्रेंड, तो इसका मतलब सर्किट हमारा बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड आइए अब किसी और सर्किट को चेक करते हैं, किसी और वायर को, ताकि पता लगे हमें सही से। तो ये सॉकेट बोर्ड है, इसमें ये मैंने जो वायर लगाया हुआ है बल्ब का वायर है, आप देख सकते हैं, इसको मैं हटाऊंगा तो बल्ब बुझ जाएगा। तो अभी हम इसी वायर को चेक करेंगे, तो अभी देख सकते हैं आप,
तो देखिए फ्रेंड, ये सर्किट हमारा इसका मतलब सही से काम कर रहा है और ये सर्किट बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड के पास भी हम जैसे लाते हैं तो ये ग्लो करती है एलईडी। इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, मेरा अभी माइनस प्लस पे हाथ लग गया इसलिए ये एलईडी ग्लो कर रहा था। तो अभी देखिए, देखिए यहाँ पर कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये जैसे ही इसके पास लाते हैं तो ये जल जाता है। इसका मतलब सर्किट हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से काम कर रहा है। ये तो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा सर्किट है और बहुत छोटा सा सर्किट है, बहुत कम खर्च में ये बन जाएगा। और ये टेस्टिंग लैंप होगा जिससे आप बिना छुए ही तार को चेक कर सकते हैं कि उसमें करंट है या नहीं है। तो इस तरह के सर्किट आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और इसमें बहुत कम खर्च आता है। तो दोस्तों, आप अगर इस तरह के सर्किट को बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा सर्किट है, तो उम्मीद है ये सर्किट आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस सर्किट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।